नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी कम करने के लिए कौन कौन सा इंजेक्शंस और मेडिसिंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मुझसे बात करना है तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि टीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टोटल लीकोसाइट काउंट, और इसकी जो रेंज होती है नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर के 11000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और ये सेम इसकी नॉर्मल रेंज बच्चों में भी सेम होती है, एडल्ट में भी सेम होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, और इसको कंफर्म करने के लिए कि टीएलसी बढ़ी हुई है कि घटी हुई है, तो एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है, वो आपका 2 ml ब्लड सैंपल से पैथोलॉजी के अंदर चेक किया जाता है लैबोरेटरी के अंदर, जिसका टेस्ट का नाम है सीबीसी टेस्ट को कंफर्मेशन लगा जा सकता है कि टीएलसी क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है। न्यूट्रोफिल WBC, ठीक है, WBC को हम लोग टीएलसी कहते हैं, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो हम लोग बात करेंगे टीएलसी बढ़ने पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीएलसी बढ़ने पे आपको तेज बुखार आएगा, आपको सीने में दर्द होगा, और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कभी कभी आपको चक्कर आता है, हेडेक, वोमिटिंग, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है सांस लेने में दिक्कत, लंग्स पे इन्फेक्शन होना, खांसी आना, निमोनिया की प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह की दिक्कत बहुत होती है। या कभी कभी होता है कि अगर आप कोई बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, किडनी में स्टोन है, फैटी लीवर, लीवर में सूजन, इंटेस्टाइन में सूजन है, या किसी भी प्रकार का आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में, या किसी प्रकार की बीमारी खतरनाक भयंकर, तो उस कंडीशन में आपको भी टीएलसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में डरना बिल्कुल, घबराना नहीं है, ठीक है। बस से अगर इस तरह के लक्षण दिखते तो आप समझ जाएंगे टीएलसी बढ़ी हुई है, तो तुरंत आप सीबीसी विडाल टेस्ट करवाएं, ठीक है। ये टेस्ट आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के देख में करवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो टेस्ट आपके नज़दीकी डॉक्टर के देख में होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर टीएलसी बढ़ी निकलती है तो इसमें मेन मेडिसिन दी जाती हैं, वो जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहले टेबलेट आती है सेफाकैंड 500 mg की, सीफोर एग्जिम इसका कम्बिनेशन होता है, माइंड कैंड कंपनी के द्वारा वह बनाई टेबलेट है जो कि बहुत अच्छी टेबलेट है। और अगर बात करें बेसिक डिटेल्स के बारे में तो माइंड कैंड फार्मा का बनाई हुई टेबलेट है, और इसकी MRP की बात करें तो 10 से टेबलेट का एक स्ट्रिप होता है 510 रुपये के आसपास में होता है, MRP ऊपर नीचे हो सकती है। तो एज एस एंटीबायोटिक, तो इस एंटीबायोटिक टेबलेट को आपको सुबह शाम में लेना है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर दर्द है, तेज बुखार है, तो आपको डोलो 650 तीन टाइम में लेना है, और इसके साथ में फेंटॉप DSR या लीबोसुल्फ्रेट टेबलेट लेना है सुबह शाम में, और एक इंजेक्शन आता है मेरोपेनम, इस इंजेक्शन को आपको लेना है सुबह शाम में। तो ऐसे में अगर आप मेरोपेनम इंजेक्शन को सुबह शाम में लेते हो तो 5 दिन तक आपको लेना है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारी की सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, तो उसके लिए टेरिफाइलिन टेबलेट आती है, सुबह शाम ले सकते हो, एक टेबलेट मोंटिकोप रात में सोने के टाइम, OD एट नाइट में बिफोर 15 डेज तक, और सीरप आता है एक टेस्क्यू DS करके, उसको आप ले सकते हो 5-5 ml तीन टाइम में, ठीक है। आपको बाहर की चीज़ों से दूरी रखना है, ठंडी चीज़ें आपको नहीं खाना है, कोल्ड हॉट एक मिक्स करके नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको डस्ट से बचना, हमेशा आप मास्क अप्लाई रखें। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन के अंदर आपकी TLC की 100% कम कर देगी, TLC का जो भी प्रकार का इन्फेक्शन है गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। तो कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू दोस्तों, कि उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया, अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।